चमगादड़ गाइस कितना खतरनाक है देख रहे हो आप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई हो मस्त बढ़िया। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली, सब बढ़िया हो? गाइस चार दिन से आपको पता है इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया है, नेट चल नहीं रहा है, क्योंकि हमारी हल्द्वानी में, उत्तराखंड हल्द्वानी में जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा शहर है, वहां से कुछ ही दूर पे रहते हैं मोमडन लोग, तो उन लोगों ने हमारी चौकी, थाना और पुलिस की गाड़ी सब जला दी। काफ़ी पुलिस वालों पे बोले तो पत्थर बरसाए हैं, हमला किया, काफ़ी चोट लगी है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं ऐसा, ये गलत बात है। इंडिया हमारी इतनी अच्छी है, इसमें रहो, प्यार से रहो, मिलजुल के, क्योंकि भगवान एक ही है, ये अल्लाह भगवान, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान है। ये तो यहाँ पर जन्म लिया तो लोगों ने बोले तो सिखा दिया उनको कि और है नहीं, और हमारा अल्लाह हमारा भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान एक ही है, प्यार से रहिए। क्योंकि पुरानी कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लड़ाई झगड़े मत करो, प्यार से रहो। गाइस कल रात 1:30-2:30 बजे नेट चला है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे काफी जो उत्तराखंड पुलिस ये कर्मचारी हैं, इनके बहुत काफी मारा है, इनके सर में लगी है। जो लेडीज जो पुलिस की जॉब कर रही थी बेचारी, उस टाइम ड्यूटी पे थी, उनको भी मारा है इन लोगों ने, बहुत गलत करा, गाड़ी फूकी है, बहुत ज्यादा सबके चोट लगी है, सब हॉस्पिटल में है। जो हमारे वाघनी सर हैं बलबुलपुरा चौकी में इंचार्ज हैं, जो बताओ उनके सर में लगी है, किसी के हाथ में लगी है, ऐसा क्यों कर रहे हो? मिलवाट करो, छोटा सा शहर है, खुश रहो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब सरकार का फैसला आ गया है तो जो काम होना है वो तो होगा ही ना, ऐसा मत करो भैया। लोगों लड़ाई झगड़े गलत बात है आपकी। मैं यूट्यूब चैनल से यही कहना चाहता हूँ आप सबसे, आप सब हमारे बड़े भाई हो, हमारे हिंदू भाई भी, आप भी अपने भाई हो, जो लड़ाई झगड़े करोगे तो इसका जवाब क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, सब यहाँ से भाग जाओगे, कोई फायदा तो होगा नहीं आप लोगों का। इसलिए प्यार से रहो, मस्त रहो, खुश रहो, है। आप अपनी नमाज पढ़ो, कुछ पढ़ो, हमें ऐतराज नहीं है, हम भी अपने मंदिर अंदर जाते हैं, खुश रहते हैं, कोई हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो भैया, सबको परेशानी होती है। देखो आपकी वजह से कुछ जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, बेचारे झोपड़ी वाले हैं, कुछ लोग यहाँ से बस में, बताओ बस में जा रहे हैं भर भर के अपने बच्चों को लेके, जाने कितनी औरतें मैंने कल देखी हैं, रो रही हैं, वो रो रही हैं, तड़प रही हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमें मारा ये वो। ऐसा मत करो भैया, आपकी वजह से कुछ गरीब लोग पिट रहे हैं, किसी के सर पर डंडे, किसी के पैर पर डंडे, प्लीज मत करो, बताओ। अब उत्तराखंड सरकार ने बताओ बाहर से बुलाई है पीएससी, किस लिए? कि आप लोग, क्योंकि आप लोग प्यार से मान ही नहीं रहे हो, तो कुछ तो ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना? तो प्यार से रहिए, खुश रहिए, और इतना बढ़िया हमारा शहर वगैरह। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है, मैं इसी ब्लॉग में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इंटरनेट की, तो रात चला है तो मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। ये ब्लॉग मैं आज शूट करूँगा तो कल पड़ेगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल है जबरा ब्लॉग्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अभी 1 साल हो चुका है मेरे चैनल को। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कुछ बता सकूँ, बोले तो मैं जाना चाहता हूँ वहाँ, दिखा सकूँ आपको, घूमते आप भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ देखो मुझे कुछ यूट्यूब से मिलेगा तो फिर मैं कुछ लोगों की मदद करूँ, बस मैं चैनल के लिए इसीलिए चैनल बनाता हूँ। तो कैसे आज का जो ब्लॉग है वो मैं घर से शूट कर रहा हूँ, और इस टाइम मैं हूँ घर पर, अभी उठूँगा, नहाऊँगा, धोऊँगा, फिर मैं जाने वाला हूँ आज भीमताल। तो गाइस देखिए सुबह सुबह विवेक हमारे लाए सरप्राइज, ये दिख रहा है गाइस, क्या है आपका बता दो, जो बता देगा उसे इनाम। ये है चमगादड़ गाइस, कितना खतरनाक है देख रहे हो आप, सुबह सुबह लेके आएगा गिफ्ट है मेरे लिए। बैटमैन चमगादड़ गाइस, कितना गाइस मर गए, पता नहीं मर गया यार, मर गया गाइस, कितना बड़ा है चमगादड़। तो बच्चे भी देखने आए गाइस सुबह सुबह, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आगे सपोर्ट कर दे, अरे 20 से आगे सपोर्ट करना गाइस। ये है, इसको लग गया करंट, और ये विवेक के घर पे आते कहाँ थे सही बताओ? ये घर के ऊपर से गिरा यार ये गाइस, इसे लग गया करंट, देखिए इसके भी पत्थर लगाए थे, उन लोगों ने मारा इसके पत्थर, इसके भी लगा था गाइस, बाप रे कितना बड़ा गाइस, देखिए कभी देखा आपने चमगादड़ जिंदा? देखा होगा, मरा हुआ चमगादड़ हमारे पास है जो उड़ते हैं, सच में कितना खतरनाक है। एक नाखून देखो, ओ भयंकर, और ये भी है नाखून इधर भी, अरे बाप रे ये तो चिपकता है, उधर का टूट गया ना इसका। ये कितने जूते पहनते हो तो? जूते बहुत है, देखो यहाँ पे, बाप रे। अच्छा ऐसे उड़ता है फुल साइज, बिस्तर पकड़ लिया ने छूट जाएगा वो तो, मर गया बेचारा, क्या करेगा वो। बिस्तर तो हटा दे, मैं चमगादड़ बन जाऊं। एक दो तीन, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है आपका? राजन, राजन। और आपका? केसरवानी, केसरवानी हो आप? क्या
अच्छा वेरी गुड, सबका स्वामी ऐसे लटकता उल्टा है नहीं है पेड़ों पे, हाँ पेड़ों पे उल्टा समेट के अपने आप को ऐसे घूमते हैं ऐसे। अब मत करना भैया, अब मत करना ऐसे भैया, डर लग रहा। गाइस आज का ब्लॉग कितना बढ़िया हो गया देख रहे हो सुबह सुबह, चलो सब बाहर ले चलें। हाँ 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 दांत बहुत नुकीले हैं इसके। अरे हानी मरा ऊपर से। ना जिंदा खा लो। हेलो मम्मी के पास ले जा इसको। गाड़ी आज आ नहीं रही है तो हमारी जाएंगी तीन गाड़ी आज, एक गाड़ी जाएगी विवेक भाई की i10 और रितेश भाई ने नई निकाली टाटा की, उसका नाम नहीं पता है वो जाएगी, और एक जाएगी हमारी लाखन भाई गाड़ी, वो है स्विफ्ट डिजायर। तो हम इस टाइम अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं रामपुर रोड पे और गाड़ी हो चुकी है रेडी। विवेक भाई लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में पेच क्योंकि गाड़ी का बम्पर एक साइड से गया था टूट। ये विवेक भाई की लक्की गाड़ी i10, तो हम जाएंगे इसी में। ये हमारी स्कूटी, छोटू भाई आ रहे हैं जो आज बनाएंगे बहुत ही प्यारी बिरयानी, वेज बिरयानी। नॉनवेज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वहाँ है मंदिर, पायलट बाबा मंदिर। गाइस इसी गाड़ी से चलेंगे अभी, आज का मैच बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है क्योंकि आज है क्वार्टर फाइनल हमारा, तो आज हम वहाँ खेलेंगे क्वार्टर फाइनल। अगर हम जीतते हैं फिर सेमीफाइनल, वो जीतते हैं फिर सीधी फाइनल, ट्रॉफी मिलेगी, जो भी वहां से धन पानी मिलेगा वो अपने सारे लड़कों को बांटूंगा दिल से। फाइनल क्या है, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हमारा मैच बहुत खतरनाक होने वाला है, तो हमारी गाड़ियां पूरी सवार हो गई, हमारे सारे बड़े भाई आ गए, ये हमारा धीरा थोड़ा शर्मा रहे संजू और जो वीडियो शूट कर रहा है वो है अपना डांसर है पम्मे भाई आ गए, और ये डांसर है गाइस इसका भी ब्लॉग चैनल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे हल्द्वानी में धारा 144 लग चुकी है, चार आदमी इकट्ठे नहीं घूम सकते, तभी हम हल्द्वानी छोड़ के यहाँ से कम से 25 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। थोड़ा वहाँ चावल वावल बनाएंगे अपनी टीम के साथ, थोड़ा मैच वैच खेलेंगे, अगर जीतेंगे तो खुशी होगी और हारेंगे तो और उससे डबल ज्यादा खुशी। तो गाइस दिख रहा है आपको हमारे डांसर भाई हमारा सिलेंडर भरा हुआ ले जा रहे हैं आगे पम्मी भाई, और गाइस देखो मुझसे क्या क्या काम करवा रहे भाई। दो चहीते बड़े भाई देखिए इतनी मेहनत करते मेरे लिए, छोटू भगोना लेके और विवेक हमारे पानी लेके, वाह वाह वाह, तुम जैसे दोस्त मिल गए तो। हेलो यार ग्राउंड देखिए गाइस, ग्राउंड बहुत नीचे था। हाँ बहुत नीचे, संजू मस्त इन जंगलों में दोबारा हम फिर आ गए, आज हमारा क्वार्टर फाइनल और आज मैच हमें जीतना है ना, हम इन सबके बड़ा एहसान होगा भाई जिता देना यार, बहुत दूर से आए हूँ, आई लव यू। और मैं ग्राउंड में आ गया नहीं बढ़िया, देखो गाइस ये वाला है बल्ला हमारे पास, मारने वाले शॉट देख सकते हैं आप, आज वाला बल्ला चलाया जा रहा है, बैठ यार मैं आ गया हूं यहां पे मारने वाले हैं आज। हां नहीं लेना इनसे पहले लेना, मैच से पहले आ दूसरे इनसे पहले से ले लेंगे। बॉलर का नाम ललित, ललित अपने ओवर में अगली बार सामना करेंगे। काफी अच्छी बॉल है आपको, बीट करा आप पवन को, आपको लेट्स गो। फाइनली गाइस टाइम हो चुका है गुड इवनिंग का, तो सबको गुड इवनिंग। और गाइस सुबह बताया था कि हम जा रहे हैं मैच खेलने पायलट बाबा के यहाँ, तो आपके आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने दोनों मैच फिर जीत लिए आपके प्यार से, बहुत अच्छा लगा। और हमारे जितने भी बड़े भाई आए हैं आज हमारे साथ, सबने अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छा लगा, और क्या बताऊं खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन अभी दो मैच और बचे हैं, एक बचा है सेमीफाइनल और फाइनल, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो मिलेगी हमें ट्रॉफी और पूरी टीम के साथ सेल्फी फोटो वोटो और रुपया पैसा भी मिल सकता है तगड़ा वाला। तो आज का ब्लॉग गाइस यही था, और इस टाइम मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, मिनी हल्द्वानी अपने घर। और गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और ज्यादा शेयर करना। राधे राधे, राम राम, जय सिया राम। Okay.